इतने सारे स्केलेटन्स हैं। तो अभी हम जा रहे हैं शाम न्यू, होप का चार्ज मिल चुका था हमें और गांव में पावर नहीं है, तो अभी हम चेकिंग कर रहे हैं एक लॉरी में बैठ के। भाई लोग हेल्प किए हैं, चेकिंग भी हो रहा है लॉरी में। थैंक यू सो मच भैया, आपने लिफ्ट किया यहाँ तक। अभी हम जा रहे हैं शाम न्यू विलेज। थैंक यू सो मच भैया। या आराम से, यू हैव वन मोर स्टेप देयर। हाँ, कीप द फोन डाउन। थैंक यू भैया, थैंक यू। एटलीस्ट आधा दूर तक तो हमें क्या वो लॉरी मिल गया था, इसलिए इतना दूर आ गया हम आराम से। बट अभी हम जा रहे हैं शांगन्यू की तरफ और बोल रहे हैं कि बहुत दूर है, पैदल ही जाना है क्योंकि गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं मिला हमें, और जो भी मिला बहुत एक्सपेंसिव था। तो हम जा रहे हैं, तो अभी हम जा रहे हैं शांगन्यू विलेज। थोड़ा पहाड़ों के बीच में चढ़ चढ़ के जाना पड़ेगा अभी, देखते हैं। मैं तो थोड़ा वॉकिंग कर लेता हूँ, देखते हैं कर सकती है कि नहीं। होपफुली विल रीच सून। और वहाँ पे क्या स्पेशल है, क्यों शांगन्यू जा रहे हैं, जाके दिखाते हैं। So there is a small snake here on the way. It's a too small. But अभी भी हम वॉक कर रहे हैं, पिछले डेढ़ घंटा से हम वॉक कर रहे हैं, अभी तक ऑलमोस्ट 8 किलोमीटर वॉक कर चुके हैं। पूरा अप एंड डाउन है तो इसलिए धीरे धीरे आना पड़ रहा है, और रास्ता पूरा ऐसे ही है, कोई भी नहीं है रास्ते में, बस हम ही जा रहे हैं। और अभी हम ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं शांगन्यू विलेज, और यहाँ पे उससे पहले एक लॉन्गफू करके एक विलेज है, लॉन्गफू। और या ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं, थक गए हैं। वहाँ पर रास्ते में एक घर में हमें एक वाटर बॉटल भी दिए पानी भर के। सो नाइस पीपल अराउंड, हेल्प भी कर रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं। सो पूछ पूछ के धीरे धीरे जा रहे हैं। ये देखिए, सो यहाँ पहुँच के दिखाते हैं क्या है वहाँ पे। तो अभी हम स्टिल रास्ते में हैं, अभी धूप बहुत ज़्यादा हो गया है, और जाते जाते एक छोटा सा गांव था वहाँ पे लम्फू करके, सो वहाँ पे आए थे और ये दो लड़के मिले, ये बोले ये भी हमारे साथ आएंगे और हमारे लिए रिफ्रेशमेंट्स भी दिए, हमें गाइड भी। विलेज कॉल्ड तांगलो, दिस आल्सो वेरी बिग विलेज, सो ही इज बीइंग आवर गाइड एंड शोइंग अस अराउंड। ऑफ कोर्स देयर इज रोड फ्रॉम हियर एंड वी कैन आल्सो गो फ्रॉम मॉल। Oh, we go to morning. Yes. Say hi. Now we are taking a shortcut thanks to these boys. You can see her face red. It's still going on. She's not complaining. That's a good thing. We are chal rahe hain. Dikhate hain wahan pe kya hai. She's trying to go down, her legs have given up. This is how she goes. So yeah, now we are leaving this Langpo village and we are going to enter Sangyu village, and this is how the village barrier is. So yes. Nice barriers for a village, man. सो अभी हम पहुंच गए हैं शांगन्यू विलेज। हाँ, ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर पैदल आए मेन रोड से, हाईवे से, और विलेज पहुंच गए। बहुत धूप है, अभी हम और आगे जा रहे हैं यहाँ का हेरिटेज म्यूज़ियम देखने, और यहाँ के जो किंग हैं, ये विलेज के किंग आंग बोलते हैं उनको, उनके घर देखने के लिए जा रहे हैं। ये कितना बड़ा पेड़ है यहाँ पे, सब पुराना है विलेज मोरंग। हाँ, सो हम फाइनली पहुँच गए हैं शांगन्यू विलेज का चीफ आंग, आंग्स प्लेस, ये उनके किंग का घर है। और वो जो वहाँ पे दिख रहा है साइड में, वो आउलिंग फेस्टिवल में मैंने देखा था, जहाँ पे उसको ड्रम्स वुडन स्टिक से मारते हैं, और ये यहाँ का स्टोन्स है, इसका भी एक रिचुअल है।
स्टोरी बिहाइंड इट। सो अभी पहुँचे हैं हम, देखते हैं कैसा है। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी एक्चुअली इट फील्स लाइक वो पुराने मूवीज चलते हैं जहाँ पे 20-30 किलोमीटर पैदल जाके वहाँ पे गांव में जाके देखते हैं वहाँ पे क्या है कैसा है। तो लिटरली आज ऐसा सीन हुआ है यहाँ पे कि हम इतना दूर पैदल आके लोकल के साथ बात करके वो अपने कल्चर के बारे में बहुत एक्सप्लेन कर रहे थे और हम पहुँच गए हैं आंग्स का घर। यहाँ पे देखिए कितने सारे स्केलेटन्स हैं। ये सब स्केलेटन्स ये पता नहीं किस चीज़ का है बट ये सब गाय बैल बफेलोज उनके स्कल्स हैं। बहुत बड़े बड़े हैवी हैं। मुझे लगता है ये तो एलिफेंट का होगा सबसे बड़ा जो है।